गुरुमंत्र विद दाती महाराज यूट्यूब का यह मेरा चैनल है और यूट्यूब के सभी दर्शकों को दाती महाराज का नमो नारायण। मित्रों, बड़े प्रेम से मैंने गुरुमंत्र विद दाती महाराज आपके लिए बनाया है। यदि अभी तक आपने गुरुमंत्र विद दाती महाराज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद इसको शेयर करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन की घंटी होगी, आप वहाँ देखें, वहाँ एक घंटी बेल है, उस बेल को जरूर बजाएं जिससे आपको मेरा हर वीडियो नया मिलता रहे। 2018 में बहुत कुछ आपके सामने लेके आ रहा हूँ। आप चाहते घर बैठे यूट्यूब चैनल के माध्यम से जीवन की संपूर्ण समस्याओं का समाधान हो तो गुरुमंत्र विद दाती महाराज इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें जिससे कि आपको वो सब कुछ मिले जो मैं आपको देना चाहता हूं। नमो नारायण, नमो नारायण चाहता हूं, नमो नारायण। वंदेबोधमयम नित्यं गुरुर् शंकर रूपिण यमाश्रितो इव क्रोऽपि तु चंद्रो सर्वत्र वंदते। अखंडमंडलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे। श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मेरी ओर से नमो नारायण। हे राष्ट्रवासियों, कई सालों के बाद मैं ये मन बना पाया कि मैं आप लोगों के साथ धर्म की चर्चा करूं। बड़ा द्वंद में था क्योंकि जिस विषय की चर्चा करने जा रहा हूं वो चर्चा का विषय है नहीं, वो अनुभव का विषय है। हजारों हजार मेल कि दाती महाराज धर्म पे कुछ बोलिए, अध्यात्म पे कुछ बोलिए, अध्यात्म या धर्म, तत्व ज्ञान, ये चर्चाओं का विषय नहीं है, ये अनुभूति का विषय है, ये भीतर का मामला है, ये गुरुगंभीर मार्ग है। राष्ट्रवासी, बहुत ही उम्मीदों के साथ आपके सामने आया हूं कि मैं वो कहने जा रहा हूं जो मेरे जीवन का अनुभव है और उसे वाणी में व्यक्त किया नहीं जा सकता, लेकिन प्रयास कर रहा हूं कुछ कह सकूं। संभव है कुछ गलती हो जाए, क्योंकि माना हूं मानवित्र गुण है, मैं कोई परमपिता परमात्मा या कोई बहुत बड़ा सिद्ध और साधक नहीं हूं, एक मनुष्य हूं और मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा हूं। वो मार्ग जो भीतर का है, वो मार्ग जो आनंद का है, वो मार्ग जो भीतर के उस खुमारी का है जो कभी नहीं उतरती है। मैं वो कहने जा रहा हूं जो तो आपके जीवन का मकसद है। जीवन को जीवन के साथ कैसे जोड़ा जाए, विषय ये है मेरा, और इसको मैं कैसे बताऊं इसके लिए मैं कई साल तक द्वंद में रहा। लेकिन जो आनंद मुझे मिला, जो कृपा मेरे पे बरसी, जो मैंने पाया गुरु महाराज जी की दया से, तो मैंने कहा कि नहीं, जो पाया है, जो मैंने अनुभव किया है, मैं इस राष्ट्र को धर्म की इस पवित्र चर्चा को जरूर करूं। मैं पुनः आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मानव हूं, मानवेतर गुण है, और यदि भूल से भी भूल हो जाए तो क्षमा जरूर कर देना और सहारा देना कि फिर मैं चल सकूं, क्योंकि मनुष्य गलतियों का पुंज रहा है और मैं भी मनुष्य हूं। चर्चा करने जा रहा हूं धर्म की, और धर्म क्या है, धर्म की क्यों आवश्यकता है, और धर्म में जीवन का क्या महत्व है, इस मानव जीवन में, इस मानव तन में धर्म की क्यों आवश्यकता है, क्या है अनुभूति, क्या है तृप्ति, क्या है वो आनंद, क्या है शब्द योग, क्या है ब्रह्म योग, क्या है अमृत योग और क्या है दृष्टि योग। इन सारे विषयों पर धीरे 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 मैं आपके सामने आऊंगा, और
क्योंकि आज श्री गणेश करने आया हूं। संपूर्ण राष्ट्र और संपूर्ण चराचर जगत को पता है कि देवाधिदेव शनिदेव का दास हूं, उनके श्री चरणों में रहते हुए अद्वैत मेरा विषय रहा है, धर्म अध्यात्म मेरे जीवन का अंग रहा है, और दोनों विषय अपने आप में परिपूर्ण है। सगुण के बिना निर्गुण नहीं और निर्गुण के बिना सगुण नहीं। जितना मैं निर्गुण का उपासक हूं उतना ही मैं सगुण का उपासक हूं, क्योंकि हजारों वर्ष तक नरगिस तड़पती है अपनी बेनूरी पे कि कोई चमन में दीदावर पैदा हो, और हजारों वर्ष तक पत्थर तड़पता है कि उसके अंदर परमेश्वर को देखने वाली आंख पैदा हो, कोई ऐसी आंख जो पत्थर में भी परमेश्वर को देख सके वो प्रकट हो। इस विषय पे आ रहा हूं क्योंकि धर्म अनुभूति का विषय है। धर्म धीधातु से बना और इसका मतलब होता है धारण करना। जो वस्तु हमें धारण किए हुए जिसकी वजह से हमारा अस्तित्व है, हम हैं, धातु से बना है और इसका मतलब है धारण करना। जिस वस्तु की वजह से हमारा अस्तित्व जो हमें धारण किए हुए हैं उसको जानना ही धर्म है, उसको जानना, और उसके जाने बिना अनुभव नहीं होगा। वो विषय आपके सामने लेके आ, ये मेरे जीवन भर की कमाई है, गुरु महाराज जी का प्रसाद है, ये गुरुगंभीर मार्ग है। और हे राष्ट्रवासियों, आज तक जब भी मौका मिला मैं सनातन संस्कृति की चर्चा करी, कैसे राष्ट्र में के प्रति हमारा मान होना चाहिए, कैसे राष्ट्र के प्रति हमारा समर्पण होना चाहिए, कैसे जीवन की दिनचर्या होनी चाहिए, और कैसे हमारा पूजन और हमारे इष्ट देवताओं के प्रति, ये मैंने आज तक आपको बताया। आज मैं आपको ये बताने जाऊंगा अब मैं कि कैसे इस जीवन के प्रति हमारा समर्पण होना चाहिए, कैसे जीवन को हमें जानना चाहिए और कैसे जीवन के साथ हमें रहना चाहिए। इस संसार में हम हैं, हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी जिसे हम सुख कहते हैं, जिसे हम चैन कहते हैं, जिसे संतुष्टि कहते हैं, जिसे तृप्ति कहते हैं, वो हमारे आसपास नहीं है। धन है, दौलत है, वैभव है, कारोबार है, परिवार है, सब कुछ है, लेकिन तब भी कहीं ना कहीं कोई रिक्ति है, कोई खालीपन है। वो खालीपन, वो रिक्ति कैसे दूर हो, विषय है धर्म। क्योंकि धर्म भीतर की प्यास को बुझाता है, धर्म हमें अंदर लेके जाता है, धर्म भीतर की पगडंडियों पर चलने की राह दिखाता है, धर्म प्रेम का सागर है। धर्म हिंदू नहीं है, धर्म ईसाई नहीं है, धर्म सिख नहीं है, धर्म जैनिज्म नहीं है, धर्म मुस्लिम नहीं है। धर्म का मतलब होता है जो हमें धारण किए हुए हैं उसको जानना। ये एक समुदाय है जो भांति भांति अपने नियम और संस्कारों को मानते, लेकिन धर्म इनसे बहुत अलग है। हिंदू संप्रदाय हो सकता है एक समुदाय हो सकता है, मुस्लिम एक संप्रदाय या समुदाय हो सकता है, सिख समुदाय हो सकता है, ईसाई एक समुदाय हो सकता है। धर्म जीवन की जड़ है, धर्म जीवन का आधार है, और वह बिना जाने समझ में नहीं आता। ठीक इसी तरह कि सामने सागर है और हम सागर के किनारे खड़े हैं, पूरी चर्चा सागर की कर दी जाए, पूरी चर्चा तालाब या सरोवर की कर दिया जाए, अनुभव नहीं होगा कि जल कैसा, जब तक कि हम उसके अंदर उतरेंगे नहीं, और परिपूर्ण जब तक हम डूबकी नहीं लगाएंगे तब तक हम भीगेंगे नहीं। धर्म तो डूबने का विषय है, धर्म तो अंतर प्रज्ञा है, धर्म चेतना का वो सागर है जहां आनंद परमानंद सुखानंद ब्रह्मानंद बरसता है। धर्म सिखाता है जीवन में खुशियों के पलों को, धर्म आपके जीवन की संपूर्ण आधारशिला है। आप लोगों के सामने ऐसे सुंदर विषय को लेकर आऊंगा, और आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि मैं जो कह रहा हूं वो सही है, मैं कभी दावे नहीं करता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि कुछ देर के लिए आप मेरे साथ रहिए, ये आधा घंटा 20 मिनट मैं आपके साथ रहूंगा, हर रोज रहूंगा इस विषय को लेकर, और मैं आपको वचन देता हूं कि है आपके पास डिप्रेशन, मानसिक तनाव समस्या, जीवन में उठापटक या दुखों का एक अथाह पहाड़ टूट पड़ा है आपके ऊपर, मैं आपसे वचन देता हूं
कि 20 मिनट आप मेरे साथ रह के रहेंगे, जीवन को हल्का कर दूंगा, जीवन जीने की दशा और दृष्टि दोनों ही बदल दूंगा, क्योंकि मेरे पास जो कुछ भी है वो मेरे जीवन का अनुभव है। मैंने अपने गुरु महाराज जी की दया से भीतर में उस कनेक्टिविटी को पाया है, जिसको जानने के बाद संसार में और कुछ जानना बाकी नहीं रहता है। जीवन को कैसे जीवन के साथ जोड़ा जाए, ये विधि मेरे गुरु महाराज ने मुझे बताई है, जिसे हम तत्व ज्ञान कहते हैं। और उन्होंने कुछ नहीं कहा ये कैसे मिल सकता है, कहा तद्वितेन प्रणिपातेन परिप्रसन्न सेविया उपदेशं ते ज्ञानम ज्ञानम तत्वदर्शन, कि ये ज्ञान ये धर्म की अनुभूति कैसे, तो तद्वितेन प्रणिपातेन परिप्रसन्न सेविया उपदेशं ते ज्ञानम ज्ञानम तत्वदर्शन। छल कपट को छोड़, बालक का हृदय ले, तत्वदर्शी की शरण जा, उसकी सेवा कर, और वो प्रसन्न होगा तो तुझे वो कनेक्टिविटी करा देगा, तुझे उसके जीवन को जीवन के साथ जोड़ देगा। भीतर की पगडंडियों पे चलना गुरु महाराज सिखा देंगे। और इसी विषय को लेकर अब मैं रोज आपके सामने रहूंगा। है दर्द आपके पास, दवा है मेरे पास, और है समस्या आपके पास तो समाधान है मेरे पास। ये दाती एहसास मेरा प्रोग्राम है, मेरा एहसास जो मैंने अनुभव किया वो आपके सामने मैं उपस्थित प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मेरा मन किया, हृदय किया कि मैंने इस ऑकल्टम साइंस को लेकर कई वर्षों से राष्ट्र के सामने हूं, लेकिन यत ब्रह्मांड तत पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है, और जो पिंड में वही ब्रह्मांड में, पिंड और ब्रह्मांड का तारतम्य अध्यात्म है, और जिस अध्यात्म को अनुभव या जान लेने के बाद इस संसार में और कुछ जानना बाकी नहीं रहता, क्यों ना मैं इस विषय की चर्चा करूं। चर्चा का विषय है नहीं, लेकिन क्यों ना इसकी महिमा गाऊं। और महिमा गाने का कतई मतलब नहीं है कि मैं परिपूर्ण ज्ञाता हूं, मेरे जीवन का जो अनुभव है तुतलार सी भाषा से आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, और संभव है मेरे से गलती हो जाए, मेरे से नहीं जुड़ने के लिए कह रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं उसे अपना के देखो, जीवन की हर दशा और हर दृष्टि आपकी बदल जाएगी। आई एम नॉट गुरु, मैं कोई गुरु नहीं, बट आई एम 100% श्योर माय नॉलेज इज गुरु। आई एम नॉट गॉड, बट आई एम 100% श्योर माय नॉलेज इज गॉड। जो ज्ञान है वो किसी गुरु या किसी भगवान से कम नहीं। उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारो, जीवन खुशियों से भर जाएगा, जीवन में आनंद आएगा। बहुत कुछ बताना है मुझे, जो मैं जानता हूं वो आपके सामने उड़ेलना चाहता हूं, बहुत कुछ कहना है। हृदय की हर तरंग, हृदय का वो अनुभव जो मैंने अपने गुरु महाराज, अपने दाता, अपने मोला, अपने सरकार से पाया है, मैं अपने राष्ट्र के सभी भाइयों को बांटना चाहता हूं, और आशा करता हूं कि ये आपके समझ में आएगा। ये विषय बहुत ही आनंद का विषय है, लेकिन ये खाली चर्चाओं तक सीमित रह गया तो कुछ नहीं मिलेगा। ये ठीक उसी तरह है कि प्यास लगी हो और पानी की खूब थीसिस की खूब चर्चा हो, CO2 पे बहुत कुछ कहा जाए और पानी दिया नहीं जाए तो प्यास नहीं बचेगी। पानी है, प्यास है, और यदि पानी को पिया नहीं जाए तब भी प्यास नहीं बुझेगी। आपको प्यास लगी है, आपके पास गिलास है, गिलास में पानी है और आपके हाथ में है, प्यास नहीं बुझेगी। प्यास बुझाने के लिए भरी हुई गिलास को होठों से लगाना पड़ेगा, और होठों के लगने के बावजूद भी प्यास नहीं बुझी जब तक वो जल भीतर नहीं जाए। जो मैं कह रहा हूं जब तक भीतर नहीं जाएगा, और ये जितना जो मैंने कहा है वो अनुभूति के मार्ग पर नहीं आएगा, अनुभूति में रूपांतरण नहीं होगा, तब तक खोखली बातें होंगी और इससे कुछ नहीं होगा। जो विषय मैं आपके सामने शुरू करने जा रहा हूं, गुरु महाराज जी की दया से जानता भी हूं, और मैं आपको वहां ले जाने के लिए सतत प्रयत्नशील हूं कि आप अपने आप को जाने, आप उस धर्म को जाने, आप उस प्रेम को जाने, आप उस अनुभव को जाने, आप उस आत्मा आनंद को जाने, आप उस तत्व ज्ञान को जाने, आप अपने जीवन के उस स्रोत को जाने जहां परमानंद का खजाना है। कोशिश करूंगा कि मैं आपके काम आ जाऊं। तो ये समय अब आप नोट कर लीजिए कि मैं आपके साथ हर रोज इस समय पर आपके साथ रहूंगा, इस समय, और जो मेरे पास में है, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये गुरु महाराज जी की दया है कि आपको क्या चाहिए मैं दिए बिना नहीं रहूंगा, बस टकटकी लगाए देखते रहिए मेरी आंखों में, क्योंकि मेरी आंखों में ये वो बात आपको समझ में आएगी, क्योंकि मैं मात्र आपके लिए आया हूं,
मेरी जिंदगी का मकसद मेरा राष्ट्र है, मेरी जिंदगी का ध्येय मेरा राष्ट्र है, मेरी जिंदगी का संपूर्ण टारगेट मेरा राष्ट्र है। मेरा राष्ट्र सुखी रहे, मेरे राष्ट्र में सुख शांति हो, मेरा राष्ट्र अध्यात्म उन्नति करे, मेरे राष्ट्र में चौं और शांति और सुखद वातावरण हो, मैं इसी उद्देश्य से हमेशा राष्ट्र के सामने आता हूं। और आशा करता हूं कि मैं कहीं आपके काम आऊं तो ये मेरे जीवन का सौभाग्य होगा। चर्चा महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण चर्चा के लिए बहुत जरूरी है कि उसमें डूबना हो। नमो नारायण। श्री शनिधाम शनि शत्रु नहीं मित्र, इदाति महाराज की फेसबुक है और फेसबुक के सभी दर्शकों को 2000 समाप्त हो रहा है, 17 समाप्त हो रहा है, 2018 प्रारंभ हो रहा है, 2018 की हार्दिक शुभकामना। लेकिन भारतीय सनातन संस्कृति से प्यार कर रहा हूं, हमारा नव वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होगा, यानी 18 मार्च से प्रारंभ होगा। लेकिन क्योंकि हम विश्व की धारा में हैं, हम विश्व के साथ चल रहे हैं, तो 2017 समाप्त हो रहा है और 2018 प्रारंभ हो रहा है, तो 2018 की आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। श्री शनिधाम शनि शत्रु नहीं मित्र, इस फेसबुक को दिल से प्रारंभ किया था, दावों के लिए नहीं किया, विचारों को लादने के लिए नहीं किया, ऐसा लगा कि राष्ट्र के लिए कुछ करो। और इसी भाव से फेसबुक आपके सामने लेकर आया, फेसबुक पर आपको आना चाहिए। यदि आप फेसबुक पर आएंगे तो मुझे प्रसन्नता होगी, क्योंकि मैं आपका अपना हूं और मैं आपके अलावा किससे कहूं। मैंने तो हमेशा अपने राष्ट्र से अपनी बात रखी है। धन नहीं चाहिए, किसी तरह का कोई ऐसा सहयोग नहीं चाहिए, बस एक चीज चाहिए कि मुस्कराता हुआ जीवन आपका चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी का राज नहीं पाया तो जिंदगी को जिंदगी से लूट जाना चाहिए। यह अनमोल जीवन है मेरे राष्ट्र के लोगों का, और ये फकीर, ये मनुष्य होने के नाते, इस राष्ट्र का नागरिक होने के नाते आप सभी को प्रणाम करते हुए, आपका अभिनंदन आभार प्रकट करते हुए कि आप मेरे पे विश्वास करते हैं, मैं आपका आभारी और प्रयास करता हूं कि मैं आपके कहीं काम आऊं। मेरी सभी फेसबुक के मित्रों से मेरा निवेदन है कि आइए, जो भी मैं वहाँ अपलोड करता हूँ, जो भी डालता हूँ, उसको लाइक करिए, थोड़ा सा उसको शेयर भी करिए। शेयर करना जरूरी है, फेसबुक में मैंने कोई मैटर डाला, उसको आप शेयर करेंगे तो सनातन संस्कृति का प्रसार होगा, भारतीय सनातन संस्कृति फैलेगी, और जीवन को शकुन और शांति से जीने के लिए भारतीय सनातन संस्कृति को अपनाना बहुत जरूरी है। भारतीय सनातन संस्कृति कोई पूजा पद्धति नहीं, ये संपूर्ण जीवन शैली है, संतुलन जीवन का सार है भारतीय सनातन संस्कृति। संपूर्ण पश्चिमी सभ्यता भारतीय सनातन संस्कृति को अपनाने जा रही, हम अपनी संस्कृति से दूर नहीं रहे, प्रयास मेरा यही है। नमो नारायण। पुनः एक बार फेसबुक के सभी दर्शकों को दाती महाराज का नमो नारायण। फेसबुक पर बहुत कुछ डालने की कोशिश करता हूं, चीजें, भागदौड़ में रहता हूं, सैकड़ों बेटियां हैं, गायें हैं, काम है, उस काम को करते हुए कोई छोटी मोटी गलती हो जाए ना तो क्षमा कर देना। पुनः आपसे निवेदन करूंगा, आइए मेरी फेसबुक पर और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे कि लोगों तक ये मैसेज पहुंच सके। नमो नारायण।